नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आज मैं आपके लिए पांच ऐसे कमाल की टिप्स लेकर आया हूं कि अगर आपका बाथरूम छोटा भी है तो भी आप अगर ये टिप्स लगा देते हैं तो आपका छोटा बाथरूम भी बेहद कमाल का बेहद बड़ा दिखने लगेगा। तो चलिए चलते अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहली टिप ये है कि जब भी आप बाथरूम का रंग चूज कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको हमेशा ही हल्का रंग चूज करना है। अगर आपका बाथरूम ऐसे ही छोटा है, उसके ऊपर से आपने उसमें और डार्क पेंट करवा दिया तो और ज्यादा क्रैम्प और ज्यादा मेसी और ज्यादा छोटा लगने लगेगा। इसलिए एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको वहां पर हमेशा ही हल्का रंग करवाना है। अब आप वहां चाहे पेंट करवाएं या टाइल करवाएं, फर्क नहीं पड़ता। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि जो भी शेड हो वो लाइट शेड होनी चाहिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। एक चीज का और ध्यान रखिए कि अगर आप सफेदी ना करवाकर वहां टाइल लगवाना चाह रहे हैं तो टाइल हमेशा 4x2 फीट की लगवाएं। थोड़ी बड़ी आती है, देखने में अच्छी लगती है और सबसे खास बात यह है कि इनमें जॉइंट कम दिखते हैं। अब होता क्या है कि अगर हम छोटी टाइल लगवा लेते हैं तो उसमें बीच में जॉइंट दिखने लगते हैं। जितने ज्यादा जॉइंट दिखेंगे उतना ज्यादा हमारे दिमाग को लगेगा कि चीजें और ज्यादा पार्टीशन में बटी हुई है और हमारे दिमाग को ऐसा लगेगा कि इस जगह और ज्यादा छोटी है। इसलिए टाइल हमेशा बड़ी से बड़ी लगवाने का ट्राई करिए। दूसरी एडवाइज है यूनिफॉर्मिटी की, यानी सारा बाथरूम आपका एक जैसा दिखना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं कि जो शावर एरिया होता है उसको वो अलग रंग का करवा देते हैं, बाकी एरिया को अलग रंग का। अब ये देखने में बेहद अच्छा तो लगता है लेकिन बड़े बाथरूमों में, छोटे बाथरूम में क्या होता है कि हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि पार्टीशन क्रिएट हो गया है और छोटा स्पेस हमें और ज्यादा दो टुकड़ों में दिखने लगता है। इसलिए ये गलती बिल्कुल ना करें, बाथरूम में एक ही रंग की टाइलें लगवाएं ताकि आपका बाथरूम थोड़ा और ज्यादा बड़ा दिखे। इसमें एक गलती और हो जाती है लोगों से, वो ये है कि दीवारों में जो टाइल है और फ्लोर की जो टाइल है इनमें कोई आपस में मेल नहीं खाता, ये बिल्कुल ही अलग रंग की करवा देते हैं ये सोच के कॉन्ट्रास्ट आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। दोबारा से कॉन्ट्रास्टिंग कलर बेहद अच्छे लग तो लगते हैं लेकिन छोटे स्पेसेस में नहीं। छोटे स्पेसेस में हमें ट्राई करना चाहिए कि हमेशा ही सेम फैमिली कलर जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आप दीवारों पर हल्के ग्रे रंग की टाइल लगवा रहे हैं तो उसके दो शेड डार्क यानी थोड़ा सा डार्क ग्रे की टाइल आप नीचे लगवा लीजिए। अगर आप थोड़ा क्रीम रंग की टाइल दीवारों पर लगवा रहे हैं तो थोड़ा ब्राउनिश शेड में लेके टाइलें नीचे लगवा लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी और आपका बाथरूम एक ही कलर टोन में दिखाई देगा। एक और जो लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं वो ये कि उनका बाथरूम ऑलरेडी छोटा है उसमें भी वो वर्टिकल स्पेसेस का फायदा नहीं उठाते हैं। और वर्टिकल स्पेसेस क्या होता है कि भाई बाथरूम का एरिया तो आपका छोटा हो गया लेकिन हाइट तो छोटी नहीं हुई, लेंटर वही 9 या 10 फीट पर होगा तो आप बस ऐसे स्पेस काफी है, तो इसका फायदा क्यों ना उठाया जाए। अब ये फायदा उठाने के दो आसान तरीके हैं। अगर आपने फ्लोर माउंटेड टॉयलेट सीट लगवा रखी है तो उसका फ्लश टैंक लगभग दीवार से 20 सेंटीमीटर आगे होता है, यानी उसके ऊपर की 20 सेंटीमीटर की दीवार आपकी खाली रहती है, वह चाहे तो आप शेल्फ डलवा सकते हैं जैसे कि आप पिक्चरों में देख पा रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं है और आपने वॉल माउंटेड लगवा रखी है तो उसके लिए आपने दीवार को मोटी करवाया होगा या करवाने वाले होंगे, तो क्यों ना उस दीवार के अंदर ही शेल्फ निकाल दिए जाए। ये देखने में बेहद अच्छा लगेगा, आपको स्टोरेज के लिए जगह मिल जाएगी और आपके बाथरूम की लुक भी बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। एक और जगह है जो छुपी हुई होती है बाथरूम में और लोग उसका फायदा नहीं उठाते हैं, वो है दरवाजे के ऊपर की जगह। अब होता क्या है कि लेंटर आपका 10 फीट के आसपास में होता है और जो दरवाजा है वो 7.5 से 8 फीट पर होता है, बीच में लगभग 1 से 1.5 फीट की जगह बच जाती है। तो क्यों ना यहाँ पर कुछ ना कुछ फायदा उठाया जाए और यहाँ पर किसी तरह का शेल्फ बनवाकर इसके ऊपर टॉवल वगैरह रखने की जगह बनवा लिया जाए जैसे कि आप इमेजेस में देख पा रहे होंगे। चौथी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेजर एडवाइस ये है कि अपने बाथरूम में जो मिरर आप लगवाने वाले हैं वॉश बेसिन के सामने, वो जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा लगवाइए। इसके एक आसान से लॉजिक देता हूं। मिरर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, इस वजह से हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि स्पेस बड़ा है। ये कभी भी आपको देखना हो तो आप बड़े बड़े मॉल्स में जाइएगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाइएगा या बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स में जाइएगा, वहां वो कांच का काम बहुत ज्यादा इसलिए ही करते हैं ताकि उनका जो स्पेस है वो और ज्यादा बड़ा दिखने लग जाए। आप इसी लॉजिक का यूज कर सकते हैं अपने बाथरूमों में। सिंक के ऊपर हम एक छोटा सा मिरर लगवा देते हैं, उसकी जगह आप दो काम कर सकते हैं। पहले तो ये कि मिरर जो आप लगवा रहे हैं वो सिर्फ सिंक के ऊपर ना लगवाकर उसको वर्टिकली एक्सटेंड कर
टॉयलेट सीट के ऊपर भी ले जाएं, जैसे कि आप इमेजेस में देख पा रहे होंगे, और एक मेजर ब्लॉक बन जाएगा मिरर का, जो देखने में तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, साथ ही में आपके बाथरूम को थोड़ा सा और बड़ा दिखाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि अगर आपकी सिंक ऐसी जगह पर है जिसके साइड में टॉयलेट सीट नहीं है और आप अपना मिरर साइड में नहीं ले जा सकते, तो आप अपना मिरर सीधे सीधे ऊपर की तरफ ले जाएं। ऊपर जाने हुए ये मिरर देखने में तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, साथ ही में आपके बाथरूम को थोड़ा सा और बड़ा दिखाने लगेगा। आप इन शीशों के पीछे एलईडी स्ट्रिप लगा सके तो बहुत 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 लुक में चार चांद लग जाएंगे और देखने में बेहद अच्छा लगेगा, जैसे कि आप इमेजेस में देख ही पा रहे होंगे। पांचवी और आखिरी एडवाइस ये है कि जितना हो सके अपने बाथरूम में फ्लोटिंग फिटिंग्स लगवाइए। मैं इसके एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको टॉयलेट सीट लगवानी ही है तो फ्लोर माउंटेड ना लगवाकर वॉल माउंटेड लगवाएं, ताकि जो आपका फ्लोर है वो फ्री रहे, वो फ्लोर आपकी आंखों को दिखता रहे। अब देखिए होता क्या है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमारी नजर, हमारा दिमाग सबसे पहले वहां की जमीन को देखता है, वो जमीन का एक मैप हमारे दिमाग में बना देता है, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं वो जगह कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। अब आप फ्लोटिंग फिटिंग्स लगवाएंगे जैसे वॉल माउंटेड सीट, तो आपको जो जमीन है वो दिखती रहेगी और आपके दिमाग को ऐसा लगेगा कि जगह और ज्यादा बड़ी है। इस वजह से आप जो टॉयलेट सीट लगवाने वाले हैं वो हमेशा वॉल माउंटेड लें, साथ ही में जो आप सिंक लगवाने वाले हैं वो भी आप ऐसी ना लें जो जमीन पर टकराती हो, जमीन से ऊंची वाली सीट लें। ये आप काउंटर टॉप वाली सीट भी ले सकते हैं जो आप इमेजेस में देख पा रहे होंगे, या फिर आजकल एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं हाफ पेडेस्टियल। ये सिंक सस्ती आती है और अगर आपका बजट कम है तो आप बिल्कुल लगवा सकते हैं, ये ऊपर यानी आधी वॉल में ही खत्म हो जाती है, तो आपका जो फ्लोर है वो बिल्कुल भी ऑक्यूपाई नहीं होता। ये थी पांच बेहद आसान टिप्स कि अगर आप बाथरूम बनवा रहे हैं, अगर आपका बाथरूम छोटा है तो क्या आपको करना चाहिए ताकि आपका छोटा बाथरूम भी बहुत बड़ा दिखने लग जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताएं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। तो आपके लिए बेहद जरूरी और बेहद अच्छी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, वो ये कि अगर आप अपने घरों में कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, इंटीरियर का काम करवा रहे हैं और आप किसी भी तरह की एडवाइस चाहते हैं, तो मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, मुझे अपना क्वेश्चन लिख के भेज देना है। ये सर्विस बिल्कुल फ्री में होगी, हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी का 15 साल का कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर का एक्सपीरियंस आप तक पहुंचे और इसके लिए हम एक भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन जरूर 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 दबाएं। धन्यवाद।